साहब ये नानसाफी है, तो इधर है क्या, उधर से जवाब ला दे क्या। कोई बड़े मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं, यकीन करें आप। ठंड में आइसक्रीम खा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जो ठंड में ये आइसक्रीम वाला दे सकती है वो कोई भी नहीं दे सकती। आए, हाय हाय हाय। हो की पता सी तेरे तो दूरियां हो जानियां, दूरियां ही साड़ियां मजबूरियां हो जानियां, कुछ दिल दियां सदरा यादां दी सोली चंगियां ने, सानू हुण पता लग्या के रातां लम्मियां ही बड़ियां ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा, आप देख रहे हैं बागी टीवी। आज हम करेंगे लोगों से मज़े मज़े के सवालात। अगर आपको भी इन सवालात के जवाब पता हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए करते हैं लोगों से सवाल और देखते हैं वो क्या देते हैं जवाब। इतनी ठंड में आइसक्रीम खा रहे हैं, इसकी क्या वजह? सर देखें, जो ठंड में ये आइसक्रीम वाला दे सकती है वो कोई भी नहीं दे सकती। आए, हाय हाय हाय। कुंवारे लड़कों का यही हाल है, कुंवारे लड़कों का आइसक्रीम नहीं मजा देती दोस्त। नहीं, मेरे लिए मुझे आइसक्रीम मजा देती है। उफ, 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 उफ। वो कौन सी चीज़ है जो गर्म करने पर जम जाती है? गर्म करने पर जम जाती है आइसक्रीम ना कह देना। नहीं नहीं, आइसक्रीम तो ठंडी होती है ना भाई। क्या कोई बड़े मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं, यकीन करें आप। दिमाग ना इस टाइम ठंडा हुआ आइसक्रीम खा के। कोई आसान सा पूछे जो मजा आ। चार कवे बैठे हुए दरख्त के ऊपर, तीन ने फैसला कर लिया हम उड़ते हैं, बकाया कितने रह गए? बाकी भी चार रह गए। वो कैसे? उन्होंने फैसला किया ना, उड़ते हैं। क्या पता उड़ गए हों, तो चारों ही उड़ते हैं। चारों क्यों उड़ते हैं? तीन ने फैसला किया, चौथे ने किया ही नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि उड़ते हैं, अभी उड़े तो नहीं ना। ओह माय गॉड, वाओ। हां उड़े तो नहीं ना, क्या पता फैसले पर अमल दरामद कर लिया हो। ये सर आप पीटीआई की तरह ना कर रहे हैं। आप मीडिया क्या करती है? पीटीआई से सर क्या बताएं आपको, पीटीआई बस गरीबों पे अटैक करती है और कुछ नहीं करती। अच्छा मुझे बताएं वो कौन सी चीज है जो पानी में गर्म करो तो सुकड़ जाती है? पानी में गर्म करो सुकड़ जाती है। कड़ी आए जो पानी में रखो सुकड़ जाती है। गूगल कर लो। नहीं यार आईडिया नहीं है। वो कौन सा जानवर है जो कानों से देखता है? कानों से देखता है चितरमुर्ग। चितरमुर्ग कानों से देखता है। सवालों के जवाब तो नहीं दे सके मगर अपना टैलेंट उजागर करना चाहते हैं जी। क्या टैलेंट है आपके पास? मैं सिंगिंग का टैलेंट। सुनाए कोई गाना फिर। हो की पता सी तेरे तो दूरियां हो जानियां, दूरियां ही साड़ियां मजबूरियां हो जानियां, कुछ दिल दियां सदरा यादां दी सोली चंगियां ने, सानू हुण पता लग्या के रातां लम्मियां ही बड़ियां ने, सानू हुण पता लग्या रातां लम्मियां ही बड़ियां ने। ओ लगे आए रोग तेरे प्यार च इंतजार दा, तेरे इश्क दीद तेरी जिंदे जी जो मार दा, अखियां भी सोना पुलियां जिद ते अड़ियां ने, सानू हुण पता लग्या के रातां लम्मियां ही बड़ियां ने। बहुत ज़बरदस्त, ये है लाहौर का टैलेंट। कोई ना कोई टैलेंट तो इनके पास होता ही है। आइए चलते हैं लोगों से करते हैं सवालात, वो क्या देते हैं इसके जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताओ कि वो कौन सी चीज़ है जिसको पानी में गर्म किया जाए तो वो जम जाती है? पानी में गर्म अंडा। क्या बात है, गुड। अच्छा मुझे बताओ वो कौन सा जानवर है नहीं बोलता? सांप। सांप बोलता है, करता नहीं। अच्छा एक तार पर 10 कबूतर बैठे हुए हैं, 6 ने फैसला किया कि हम उड़ते हैं, बाकी कितने रह गए? एक तार पर 10 कबूतर बैठे हैं, 6 ने उड़ने का फैसला किया, बाकी 4 ही रहेंगे। कैसे? 6 तो उड़ जाएंगे, पीछे 4 रहेंगे। उड़े तो है नहीं, अभी उन्होंने फैसला किया। फैसला करने वाले तो 6 है ना, तो पीछे 4 ही रहेंगे जिन्होंने फैसला नहीं किया। हाँ, तो उड़े थोड़ी हैं, उधर ही बैठे रहेंगे, उड़े थोड़ी हैं। 4 ही रहेंगे पीछे। 4 ही रहेंगे, इसको समझाएं 4 कैसे रहेंगे? अभी तो सिर्फ फैसला किया
उड़े थोड़ी से दस के दस ही रहे। वो कौन सा बादशाह है जिसका महल ही नहीं है? नो आइडिया। आज आप जिलानी पार्क में क्या करने आई हैं? वैसे ही काफी टाइम हो गया था, आए नहीं थे, तो आज अब वैसे विंटर वेकेशंस खत्म होने वाली है, तो इस वजह से हमने कहा चलो थोड़ा सा एंजॉय करके बताएंगे स्टूडेंट्स को कि हम जिलानी पार्क घूमने गए थे, वहाँ पे हमने क्वेश्चंस के गलत आंसर दिए थे। बिल्कुल ऐसे ही है, कॉलेज से काफी देर से छुट्टियां थी तो हमने कहा चलो एक फैमिली डे होते। आप मुझे बताएं वो कौन सी चीज है गर्म करने में जम जाती है? मुझे नहीं पता, मैं उसको बताएं। वो गाय दूध देती है, मुर्गी अंडे देती है, वो कौन सी चीजें दोनों देते हैं? मुर्गी अंडे देती है, एक चीज है वो दोनों देते हैं। मैं नहीं जानती। मुझे बताएं एक तार पर 10 कबूतर बैठे हुए हैं, 6 ने फैसला कर लिया उड़ने का, बाकी कितने रह गए? कितने बैठे? 6 ने फैसला कर लिया उड़ने का, बाकी साहब ये नान साहब या तो इधर है या उधर से जवाब ला दे। डॉक्टर साहब इधर आ ली रही, डॉक्टर साहब वहीं से जवाब दे रही है, ये क्या वजह है? सब आपको एक सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा, वो कौन सी चीज है जो गर्म करने पर जम जाती है? ये तो मैंने बताया था, मुझे मरकरी होती है। वो मरकरी नहीं है, गर्म करने पर जम जाती है, मरकरी तो फट जाता है। थर्मामीटर में जम भी जाता है गर्म करने पर, किस तरह थोड़ी देर उसको गर्म पानी में रखे तो क्या हाल होगा उसका? अच्छा ये नहीं आता आगे। अच्छा, वो कौन सी चीज है, गाय दूध देती है, मुर्गी अंडे देती है, वो कौन सी चीज दोनों देती है? पोल्ट्री फार्म वाले। पोल्ट्री फार्म वाले जी, तो जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त हुआ। मुझे बताएं 10 कबूतर जो है वो एक तार पे बैठे हुए हैं, 6 ने फैसला कर लिया कि हम उड़ते हैं, बाकी कितने रह गए? 10 नहीं। वो कैसे? जो फैसला किया था उड़े नहीं। क्या बात है, ये माशाल्लाह हाफिज़े कुरान बच्चे हैं और इनकी आपने बातें सुनी। मुझे बताओ वो कौन सी चीज़ है जो गर्म करने पर जम जाती है? अंडा। आपको कैसे पता है? वैसे कहीं से देखा हुआ लेकिन काफ़ी देर हो गई। अच्छा, वो कौन सा बादशाह इसका महल ही नहीं है? शेर। वाह जी, तो ये हैं लाहौर के काबिल बच्चे। अगर आपको इन बातों का जवाब मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा शो आपको कैसा लगा? इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए, बागी टीवी देखते रहिए।